नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। लोकसभा चुनाव 2019 के रिजल्ट आने के बाद बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी ने राज्य में शानदार प्रदर्शन करते हुए 18 सीटें हासिल की है, वहीं टीएमसी अपने पिछले प्रदर्शन को नहीं दोहरा सकी है। अब सीएम ममता बनर्जी ने नतीजों के बाद पैदा हुए हालात पर चर्चा के लिए अपने नेताओं की बैठक बुलाई है। टीएमसी सुप्रीमो ममता ने कोलकाता के काली घाट स्थित अपने आवास पर पार्टी के नेताओं को मंथन के लिए बुलाया है। इस बैठक में पार्टी के सभी बड़े नेताओं को मौजूद रहने के निर्देश दिए गए हैं। माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान लोकसभा चुनाव में पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि बड़े नेताओं के साथ ही साथ विधायकों को भी बैठक में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। राज्य में 2 साल बाद यानी 2021 में विधानसभा चुनाव होने हैं और बीजेपी के उभार को देखते हुए टीएमसी की चिंताएं बढ़ रही हैं। इससे पहले ममता ने काउंटिंग के दौरान ट्वीट में कहा था, विजेताओं को बधाई, लेकिन सभी हारने वाले लूजर्स नहीं है। हम इस पर पूरी समीक्षा करके आपसे विचार साझा करेंगे। पहले वोटों की गिनती और वीवीपैट से मिलान पूरा होने दिया जाए। सीपीएम की दशकों पुरानी सत्ता को 2011 में खत्म करने के बाद बंगाल में टीएमसी को बीजेपी से लगातार कड़ी चुनौती मिल रही है। पंचायत चुनाव में भी बीजेपी मुख्य विपक्षी पार्टी बनकर उभरी है। लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान के दौरान पीएम मोदी ने श्रीरामपुर की एक रैली में कहा था, दीदी 23 मई को नतीजे आने के बाद कमल खिलेगा और देखना आपके एमएलए आपका साथ छोड़ देंगे। टीएमसी के 40 विधायक मेरे संपर्क में हैं और दीदी आपका बचना मुश्किल है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बंगाल में बीजेपी ने टीएमसी के गढ़ में घुसकर चोट पहुंचाई है। हुगली लोकसभा सीट से बीजेपी उम्मीदवार लॉकेट चैटर्जी ने टीएमसी कैंडिडेट रत्ना डे को भारी मतों से हराया। दिलचस्प बात यह है कि हुगली में ही ममता बनर्जी ने भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। उसी के बाद वो राष्ट्रीय राजनीति में उभर कर सामने आई थी। बांकुरा में भी टीएमसी के सीनियर नेता, पूर्व कोलकाता मेयर और ममता मंत्रिमंडल का हिस्सा रह चुके सुब्रत मुखर्जी बीजेपी के सुभाष सरकार से 17,433 वोटों के अंतर से हार गए। सुभाष सरकार को 6,75,319 वोट और टीएमसी के सुब्रत मुखर्जी को 5,986 वोट मिले। वहीं सीपीएम को कुल 1,282 वोट मिले। 2014 के आम चुनाव की तुलना में 2019 में टीएमसी को भारी नुकसान उठाना पड़ा। 2014 में पार्टी को 34 सीटें मिली थी, जबकि इस बार उसे सिर्फ 22 सीटें ही हासिल हुई हैं। वहीं कांग्रेस 2 सीटों पर सिमट गई है। कुल मिलाकर ये बात आंकड़ों के आधार पर कही जा सकती है कि मोदी ने जो कहा वो बंगाल की जनता ने किया और इस बार लोकसभा चुनाव में बंगाल पर मोदी का जादू सिर चढ़कर बोला। अब देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में क्या कमाल करती है। पूरी भारत सरकार, केंद्र सरकार के तमाम विभाग पूरी मुस्तैदी से राहत और बचाव के काम में जुटे हुए हैं। लेकिन भाइयों और बहनों, हमारे पश्चिम बंगाल की स्पीड ब्रेकर दीदी, ये स्पीड ब्रेकर दीदी ने इस चक्रवात पर भी राजनीति करने की भरपूर कोशिश की है। चक्रवात के संबंध में मैंने ममता दीदी से फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दीदी का अहंकार इतना ज्यादा है कि उन्होंने मुझसे बात नहीं की। मैं इंतजार करता रहा कि शायद दीदी वापस मुझे फोन करे, लेकिन उन्होंने फोन नहीं किया। मैंने फिर भी उन्हें दोबारा फोन किया। मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए चिंता में था, इसलिए ममता दीदी से बात करना चाहता था। वो यहां की मुख्यमंत्री है, लेकिन दीदी ने दूसरी बार भी मुझसे बात नहीं।
नमस्ते साथियों, आज एनडीए की मीटिंग हुई थी और जैसा आप सब जानते हैं एनडीए के सभी सांसदों ने और एनडीए से जुड़े हुए सभी राजनीतिक दलों ने सर्वसम्मति से मुझे नेता चुन करके एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है। मैं एनडीए के सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और एनडीए के सभी प्रमुख नेताओं ने आज राष्ट्रपति जी को मिलकर के इस निर्णय की जानकारी भी दी और बाद में राष्ट्रपति जी के सूचन पर मैं आज अभी उनसे मिलने आया था। राष्ट्रपति जी ने मुझे पदनामित प्रधानमंत्री के रूप में पत्र दिया है और शपथ मंत्रिपरिषद के शपथ के लिए आगे की कार्यवाही के लिए मुझे सूचित किया है। मैं हो सके उतना जल्दी आगे की कार्यवाही की जानकारियां आदरणीय राष्ट्रपति जी को पहुंचाऊंगा। स्वाभाविक है कि देश एक बहुत ही बड़ा प्रचंड जनमत दिया है और इन जनमत के साथ, जन आदेश के साथ जन अपेक्षाएं भी जुड़ी हुई है। हमारी सरकार नए भारत के निर्माण के लिए और विशेष करके 2022 जब आजादी के 75 साल देश मनाने जा रहा है, यह अवसर अपने आप में 130 करोड़ देशवासियों का अवसर बने। आजादी के आंदोलन में जैसे हर देशवासी कोई न कोई संकल्प करता था, वैसा हर देशवासी देश के लिए, समाज के लिए, भविष्य के लिए कुछ करने के लिए संकल्प करें और जीवन में उसको उतार करके दिखाएं, ऐसा अवसर 2022 हमारे सामने है। ये वर्ष महात्मा गांधी की 150वीं जयंती का भी है और ये वर्ष गुरु नानक देव जी के 550वें वर्ष का भी है, यानी एक प्रकार से बहुत ही सुभग अवसर का एक कार्यकाल है। और विश्व की जो स्थिति है उसमें भी भारत के लिए अनेक संभावनाएं लेकर के समय आया है। उन अवसरों को हम गंवा न दें, उन अवसरों का अधिकतम फायदा लेने के लिए भारत को हम सज्ज करें। देश की आवश्यकताओं की पूर्ति का जो वातावरण है उसमें हम बल प्रदान करें। उन बातों को लेकर के आने वाले दिनों में सरकार अपना काम तेज गति से आगे बढ़ाएगी। हम नहीं चाहते हैं कि एक पल भी विराम का जाए। चरैवेति 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 के मंत्र को साकार करते हुए चलते रहें, आगे बढ़ते रहें, ध्येय प्राप्त करते रहें, इस मिजाज के साथ नई सरकार भी काम करे। उस संकल्प को मैं फिर एक बार देश के सामने दोहराता हूं, सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। एक ऐसा मंत्र है जो भारत के हर क्षेत्र के विकास के लिए, सर्वसमावेशक विषय के विकास के लिए बहुत ही उत्तम राह दिखाता है। सबकी सुरक्षा और राष्ट्र की समृद्धि, उसके प्रति भी प्रतिबद्धता के साथ हम सबको आगे बढ़ना है। मैं फिर एक बार देशवासियों का धन्यवाद करते हुए विश्वास दिलाता हूं कि नई सरकार आपके सपनों को साकार करने के लिए, आपकी आशा अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।